इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण और मेरे चैनल इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे कि गणेश पूजा, उसके बाद ईद, उसके बाद नवरात्र और उसके बाद दिवाली। और ये सारे त्योहारों में हमें सबसे पहले चाहिए होता है स्किन का ग्लो। और लड़कियों के लिए तो पता है स्किन का ग्लो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और स्किन का ग्लो आता है फेशियल से। पर जब भी मैं आपको फेशियल बताती हूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें ये सूट नहीं करता, हमें वो सूट नहीं करता, हमारे लिए ये अच्छा नहीं, हमारे लिए वो अच्छा नहीं। पर कोई बात नहीं दोस्तों, आप अपने घर पर जो चीज़ें होती है, जैसे आपका फेस वॉश, आपका स्क्रब, आपका फेस मास्क, उनके इस्तेमाल से भी बहुत ही आसानी से अपना फेशियल कर सकते हैं, जिसका ग्लो आपको अच्छा भी आएगा और आप कभी भी अपने फुर्सत से कर सकते हैं। तो ये होता है मज़ा घर पर फेशियल करने का। तो चलिए, मैं अभी फेशियल करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना फेशियल आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपको काफ़ी मदद हो। तो चलिए चालू करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है बालों की। बालों के लिए आप या तो रबर या फिर हेयर बैंड यूज़ करके अपने बालों को सबसे पीछे कर ले, क्योंकि फिर वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और उसके बाद आपको चाहिए क्लींजर। आप कोई भी क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेकअप रिमूवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है कुछ भी तो आप कच्चे दूध से भी अपनी स्किन को साफ कर सकते हैं। क्लींजर आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये क्या करती है कि जितनी भी स्किन के अंदर पोल्यूशन, धूल मिट्टी है, उसे बाहर निकालती है और आपकी स्किन को काफ़ी हद तक साफ करती है। तो यहाँ पर मेरी स्किन की क्लींजिंग हो चुकी है, और ये रही वो सारी गंदगी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बाद आप किसी भी स्क्रब के इस्तेमाल से अपने चेहरे को स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने से आपकी स्किन पर जितनी भी डर्ट, पोल्यूशन है या छुपी हुई गंदगी है, डेड स्किन सेल है, ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, सब निकल जाती है। और साथ ही साथ आपकी स्किन की जो लेयर है वो साफ़ हो जाती है, और इसकी मदद से आपकी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छे से खुलकर सांस ले पाती है। साथ ही साथ जब भी आप दोस्तों स्क्रब करें, बहुत ही हल्के हाथों से करें, सर्कुलर मोशन में करें, आपकी स्किन को ज़्यादा आप परेशान ना करें, यानी बहुत ज़ोर से रगड़े ना, धीरे धीरे स्क्रब करिए तो बहुत ही अच्छे से स्क्रब हो जाएगा। और उसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। तो यहाँ पर मेरी जो स्किन है वो स्क्रब हो चुकी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके बाद आपको चाहिए स्टीमर। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक पतीले में गर्म पानी करके भी अपने फेस पर स्टीम ले सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास स्टीमर है तो मैं उसकी मदद से अपने फेस पर स्टीम ले लेती हूँ। स्टीमर की मदद से हमारे स्किन की जो सफाई है वो गहराई से होती है, और जितने भी ओपन पोर्स है उनकी भी गहराई से सफाई होती है। ओपन पोर्स को ये बंद करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जब हम हमेशा स्टीम लेते हैं हमारे स्किन के ऊपर, तो हमारी स्किन भी बहुत सालों तक जवा बनी रहती है। तो स्टीम के बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन के लिए, इसलिए आपको फेशियल करते समय 5 मिनटों के लिए स्टीमर का इस्तेमाल अपने स्किन के लिए ज़रूर करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टीमर की मदद से मैंने अपने फेस पर अच्छे से स्टीम ले लिया है, और मेरी जो स्किन है काफ़ी अच्छी लग रही है ऑलरेडी। पर अभी भी एक स्टेप बाकी है, जो कि है फेस मास्क। आप चाहे तो घर का बना कोई भी फेस मास्क ले सकते हैं, जैसे चंदन पाउडर और रोज़ वाटर को मिक्स कर, या फिर बेसन या दूध को मिक्स कर, या बेसन और दही को मिक्स कर। ये तो हमारे घरेलू फेस पैक्स हो गए। पर दोस्तों, मैं यहाँ पर ये मार्केट वाला जो फेस पैक है उसका इस्तेमाल करूँगी, और इसे लगाने के बाद कुछ मिनटों के लिए छोड़ दूँगी, जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए। और जब ये सूख जाएगा तब अपने चेहरे को अच्छे से धो लूँगी। फेस मास्क की मदद से हमारी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। हफ्ते में वैसे आपको 2 बार तो फेस मास्क अपने चेहरे पर लगाना ही चाहिए, पर दोस्तों फेशियल करते समय फेस मास्क से ही हमारा फेशियल जो है कम्प्लीट होता है। तो यहाँ पर तो मैं ये डिटॉक्सीफाई वाला फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरी स्किन जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे जो फेशियल के सारे स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ऐसा ही होता है जब हम फेशियल करते हैं तो, और इसका रिज़ल्ट जो है थोड़े देर के बाद और अच्छा होते जाता है। जैसे 1 दिन के बाद जो फेशियल का ग्लो है और अच्छा दिख कर आता है।
उसके बाद दोस्तों मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, इसलिए मेरी स्किन पर हल्की सी ड्राइनेस मुझे फील हो रही है। इसलिए मैं यहाँ पर ये जो सैरम है और मॉइस्चराइज़र है ये दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी। पर कहीं अगर आपकी स्किन ऑयली है या अगर आपकी स्किन पर ड्राइनेस फील नहीं हो रही है तो भी आप थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग इतना ज़्यादा स्किन के साथ चीज़ें करते हैं तो हमारी स्किन जो है हल्की सी ड्राई हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्किन के मॉइस्चर को इंस्टेंटली वापस दिलवाता है। तो देखा दोस्तों आपने मेरे फेशियल को, मेरी स्किन पर अच्छा खासा ग्लो आ चुका है, आप देख सकते हैं। यही सब जो हमारे घर में फेस स्क्रब, क्लींजर, फेस मास्क होता है, इसी की मदद से आप बहुत ही आसानी से फेशियल कर सकते हैं और इस तरह का यानी पार्लर जैसा ग्लो अपने स्किन पर इंस्टेंटली ला सकते हैं। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कहीं अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आप किस तरह के अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स। सो टिल देन बाय।